कई बार गई हूँ, पर कर्मभूमि पहली बार आई हूँ। अगर वो यहाँ के राजा थे तो ये पता चलता है यहाँ आकर। यहाँ उन्होंने माखन नहीं चुराया, रास नहीं रचा, नटखट हरकते नहीं। यहाँ वो सखा काना लल्ला ठाकुर जी नहीं बल्कि द्वारिकाधीश है। 5 मंजिल का मंदिर पात्र स्तंभ पर टिका हुआ है। इसकी ऊंचाई 235 मीटर है। मंदिर के ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है, 3 बार सुबह, 2 बार शाम। मंदिर के शिखर पर 52 गज का ध्वज फहराते हैं। इसके पीछे कुछ कथाएं हैं। 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य चंद्र श्री द्वारिकाधीश मिलाकर 52 होते हैं। इस झंडे की खासियत ये है कि हवा की दिशा कोई भी हो, झंडा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर लहराता है। हमेशा श्री द्वारिका को द्वारिका साम्राज्य के साथ पहचाना जाता है। इसे पुराणों में श्री कृष्ण की प्राचीन राज्य के रूप में लिखा गया है। माना जाता है कि गुजरात की पहली राजधानी थी। द्वारिका में कृष्ण को समर्पित द्वारिकाधीश मंदिर, जो कि चारों धाम में से एक धाम है, जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। द्वारिका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। द्वारिका शब्द का मतलब होता है प्रवेश द्वार। किंवदंती के अनुसार मथुरा में अपने मामा कृष्ण को हराने और मारने के बाद श्री कृष्ण यहीं बस गए थे। 1473-1551 फिर मंदिर पर आक्रमण किया गया। कृष्ण जी की जन्मभूमि कई बार